नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं 10 शहर 10 खबर। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात जबलपुर की। कल रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव होने जा रहा है। कॉन्क्लेव में जुटेंगे देश विदेश के उद्यमी। बता दें सीएम डॉक्टर मोहन यादव कॉन्क्लेव का शुभारंभ करेंगे। 5 सेक्टर्स पर फोकस किया जाएगा। एग्रो, माइंस, डिफेंस, टूरिज्म और गारमेंट्स क्लस्टर पर भी चर्चा होगी। कॉन्क्लेव के लिए करीब 3,500 इन्वेस्टर ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। कॉन्क्लेव को लेकर अंतिम दौर में तैयारियां चल रही हैं। कल जबलपुर में ये कॉन्क्लेव और उसको लेकर के तैयारियां जोरों पर है और इसका शुभारंभ सीएम मोहन यादव करेंगे। कल रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव होने जा रहा है। 5 सेक्टर्स पर इस कॉन्क्लेव को लेकर के फोकस किया गया है और इसकी शुरुआत कल होगी। साथ ही साथ इसका शुभारंभ सीएम मोहन यादव कल करेंगे। देश विदेश के उद्यमी जुड़ेंगे इस कॉन्क्लेव में और शुभारंभ होगा। 5 सेक्टर्स पर इसमें फोकस किया जाएगा। इस कॉन्क्लेव में एग्रो, माइंस, डिफेंस, टूरिज्म पर बढ़ावा सरकार देने जा रही है। तो देश विदेश के उद्यमी जुड़ने वाले हैं इस कॉन्क्लेव में। बेहद खास ये कॉन्क्लेव। लगातार उद्योग निवेश को बढ़ावा देने की दृष्टि से एक के बाद एक हम नए कदम उठाने जा रहे हैं। बीते समय उज्जैन में 1-2 मार्च को इन्वेस्टर की मीट की थी, जिसमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। लगभग 75,000 करोड़ से ज़्यादा बढ़कर के कई सारे प्रस्ताव आए और इसी प्रकार से कल 20 जुलाई को इन्वेस्टर सबमिट करने वाले हैं, जिसमें देश भर के अलग अलग निवेशक, औद्योगिक घराने, हमारे प्रदेश के अंदर के उद्योग व्यापार व्यवसाय को बढ़ाने वाले अलग अलग क्षेत्र के बड़ी संख्या में नए प्रस्ताव आने की संभावना है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश के संसाधन के बलबूते पर खास करके कृषि, शिक्षा, चिकित्सा, हेल्थ, इंडस्ट्री की तीनों प्रकार है, लघु उद्योग, हेवी उद्योग या मध्यम श्रेणी से नीचे वाले कुटीर उद्योग, सभी प्रकार के उद्योगों से जुड़ करके ही प्रदेश की प्रगति की जा सकती है। इसी थीम पर लगातार हमारी सरकार काम कर रही है। मैं कल की होने वाली इस इन्वेस्टर समिट का स्वागत भी करता हूं और प्रशासन को बधाई देता हूं जो इस पूरी तैयारी में लगे हुए हैं। कुल मिलाकर के मध्य प्रदेश को औद्योगिक विकास दर में नंबर 1 पे प्रदेश को देश में पहुंचाना है, हम इस पे काम कर रहे हैं। भोपाल में कल बीजेपी आरएसएस की बड़ी बैठक होगी। बता दें बीजेपी और आरएसएस की समन्वय बैठक होने जा रही है। संघ संगठन और सरकार के प्रमुख नेता इसमें शामिल होंगे। राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष, राष्ट्रीय सहसंगठन महामंत्री शिव प्रकाश ये बैठक लेंगे। क्षेत्रीय संगठन मंत्री अजय जामवाल भी मौजूद रहेंगे। बता दें संघ के मध्य क्षेत्र प्रचारक स्वप्निल कुलकर्णी भी शामिल हो सकते हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा भी मौजूद रहेंगे। जबलपुर से लौटकर सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी बैठक में शामिल होंगे। बैठक में सरकार और संगठन के बीच समन्वय पर बैठक होगी, चर्चा होगी, सरकार के कामकाज को लेकर रणनीति भी बनेगी। भोपाल में सीएम से मिले हैं दिग्विजय सिंह। नर्सिंग घोटाले को लेकर मुलाकात की। बता दें छात्रों की समस्या को लेकर सीएम से बातचीत की है दिग्विजय सिंह ने। दिग्विजय सिंह के साथ रवि परमार ने भी अपनी बात रखी है। तो नर्सिंग घोटाले को लेकर मुलाकात, ये दिग्विजय सिंह जो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं उनकी मुलाकात मुख्यमंत्री से हुई है और नर्सिंग घोटाले को लेकर के इस पर बातचीत की। साथ ही साथ उनके दिग्विजय सिंह के साथ रवि परमार भी मौजूद रहे इस मुलाकात। रायपुर में बीजेपी विधायक दल की बैठक है और बैठक में विधानसभा मानसून सत्र को लेकर यह मंथन हुआ। सीएम ने सभी विधायकों को सदन में मौजूद रहने के निर्देश दिए हैं। साथ ही मंत्रियों को अपने विभागों से संबंधित सवालों का मजबूती से जवाब देने को सुझाव दिया है। साथ ही सीएम ने कहा कि सरकार विपक्ष के सवालों का मजबूती से जवाब देगी।
प्रदर्शन और सदन में हंगामा करना विपक्ष का धर्म है। उन्होंने कहा कि बलौदाबाजार की घटना पर एकजुट होकर सदन में जवाब दिया जाएगा। तो वहीं बैठक के बाद विधायक भावना बोहरा ने कहा कि विपक्ष के पास मुद्दे नहीं, विपक्ष कानून व्यवस्था को लेकर जो बयान दे रहा है उन्हें पहले अपने 5 साल के कार्यकाल को देखना चाहिए। 6 महीने में बीजेपी सरकार में प्रदेश में लॉ ऑर्डर की स्थिति अच्छी हुई, पिछले 5 साल के मुकाबले अपराध के ग्राफ में कमी आई। एक से एक बढ़कर के काम इन 6 महीनों में किया है और उन कामों के दम पर हमारे भाजपा कार्यकर्ताओं में, भारतीय जनता पार्टी के विधायकों में हमारे सरकार के कार्यों को लेकर के बहुत उत्साह है और हम पूरे दमदारी और उत्साह के साथ विधानसभा की कार्यवाही में भाग लेंगे। देखिए, विपक्ष जो लगातार पिछले 5 साल तक जब कांग्रेस की सरकार थी और आज भी जब हम विषय देखते हैं सदन में लगाने के लिए, तो उन्हीं विषयों पे वापस नजर जाती है जो पिछले 5 साल कांग्रेस का भ्रष्टाचार था। पिछले 6 महीने में अगर कांग्रेस देखना चाहे जो विपक्षी भूमिका में है, तो मुझे लगता है कि उनको महतारी वंदन देखना चाहिए, प्रधानमंत्री आवास जो 18 लाख आवास जो बचे थे उनको देखना चाहिए, जो धान का जो बोनस समय पे मिला है बिना मांगे किसानों को वो उनको देखना चाहिए। लगातार जिस तरीके से विकास के काम जो पिछले 5 साल में रुके हैं, अभी 6 महीने में जो वापस से फ्लोर पे है, मुझे लगता है कांग्रेस को उस पर एक नजर डालनी चाहिए। विपक्ष की भूमिका देखते हैं सदन में कितना वो कर पाते हैं। छत्तीसगढ़ में परिसीमन को लेकर सियासत अब तेज हो चुकी है, बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है। रायपुर महापौर ने कहा है कि गलत तरीके से कांग्रेस वार्डों से वोटर्स हटाए गए तो इसका हम जमकर विरोध करेंगे, परिसीमन के जारी करने का इंतजार कर रहे हैं। तो वहीं नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साफ ने कहा कि वार्डों का परिसीमन निगम और प्रक्रिया के अनुरूप ही किया जा रहा है। उन्होंने कांग्रेस के आरोपों को बेबुनियादी बताया। दृष्टिकोण यही है कि पार्षद के अच्छे क्षेत्रों को जहां उसका अच्छा प्रभाव है उस प्रभाव के क्षेत्र को काट दिया जाता है, तो इस तरीके की अगर वो ना होगा तो हम लोग पूरा समर्थन करेंगे और ये इसमें अगर कुछ खेल होगा तो फिर हम लोग फुल इसका विरोध भी करेंगे। देखिए, कांग्रेस का काम है आरोप लगाना, जो नियम प्रक्रिया है उन नियम प्रक्रियाओं के अनुसार ही वार्डों के सीमांकन की प्रक्रिया चल रही है। नर्मदापुरम में 8 पटवारी सस्पेंड हुए हैं, हड़ताल को लेकर कार्रवाई की गई। प्रदेश सरकार राजस्व अभियान चला रही है, हड़ताल को माना गया है लापरवाही और इसी को देखते हुए 8 पटवारियों को सस्पेंड कर दिया गया है, क्योंकि काम में बाधा आई, परेशानी लोगों को हुई, अब 8 पटवारियों पर गाज गिरी है, इनका सस्पेंशन हुआ है। हड़ताल को लापरवाही माना गया है और इसी के चलते यह बड़ा फैसला लिया गया। खंडवा में फिलिस्तीन का झंडा लहराने वालों पर मामला दर्ज हुआ है, मोघट रोड पुलिस थाने में दर्ज हुआ है मामला। 4 लोगों पर एफआईआर हुई, मुहर्रम के जुलूस में इन्होंने फिलिस्तीन का झंडा लहराया था। बता दें, बजरंग दल ने शिकायत की थी जिसके बाद इस मामले में संज्ञान लिया गया और साथ ही साथ एफआईआर दर्ज की गई है। तस्वीर आप देख रहे हैं, यहां पर फिलिस्तीन का झंडा लहराया गया और इसी के बाद हिंदू संगठनों द्वारा विरोध जताया गया, साथ ही साथ कई सारे सवाल लोगों ने खड़े किए। अब यह मामला दर्ज हुआ है, एफआईआर दर्ज हुई है, अब देखने वाली बात होगी कि कब तक इनकी गिरफ्तारी होती है, किन धाराओं में मामला दर्ज होता है, ये देखना होगा। पर 4 लोगों पर एफआईआर हो चुकी है, केस दर्ज हो चुका है, अब देखने वाली बात होगी कि किस तरह की कार्रवाई देखने को हमें मिलती है। लोगों द्वारा लहराया गया और जिसके कारण आसपास काफ़ी आक्रोश की भी और स्थिति हुई और खंडवा शहर में कहीं ना कहीं उसको लेकर सांप्रदायिक सौहार्द की भी स्थिति बिगड़ने की पूरा अंदेशा था। इसी को मद्देनज़र रखते हुए पुलिस ने पूरे प्रकरण की गंभीरता से जांच की और जांच के बाद ये तथ्य आया है कि 4 युवक थे जो इन्होंने एक राय होके इस तरह का कृत्य किया था, जिस पर से थाना मोघट में धारा 196(1) और 2 के भारतीय न्याय संहिता के तहत प्रकरण पंजीबद्ध करके विवेचित। ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी अमित जसवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, ये झंडा लहराया गया, फहराया गया और उसके बाद से ही लगातार जो है विरोध, नाराजगी लोगों में देखी गई, अब एफआईआर हुई है, क्या कहना है पुलिस का? जी बिल्कुल, मैं बता दूं कि मुहर्रम की जो 10 तारीख थी, बुधवार को ये पूरा घटनाक्रम हुआ था और उसके बाद जब ये मामला संज्ञान में आया था तो
इसकी शिकायत बजरंग दल ने थाने में की थी और जांच पड़ताल की गई। कुछ संदिग्धों को पुलिस ने उठाया, सीसीटीवी फुटेज देखे गए और जो अलग अलग कैमरों से वीडियो बने थे वो देखे गए और उसके आधार पर ये निकल कर आया कि रेहान, जैद, समीर और फुरकान इन लोगों ने इस तरह की हरकत की थी। आज खंडवा के पुलिस अधीक्षक मनोज राय से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि जब इस तरह का मामला सामने आया हमने संज्ञान लिया और आज इन चार युवाओं पर वैमनस्यता फैलाने और घृणा फैलाने की धाराओं में केस दर्ज कर दिया है और आगे की विवेचना की जा रही है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया अमित जानकारी को साझा करने के लिए। शाहजहांपुर में एसआई ने हंगामा किया है, शराब के नशे में होटल में हंगामा किया, होटल संचालक से बदसलूकी की, तस्वीर भी सामने आई है, घटना का सीसीटीवी अब सामने आया, एसआई को एसपी ने सस्पेंड भी कर दिया है, ये वीडियो संज्ञान में आने के बाद। तो शराब के नशे में होटल में हंगामा करता हुआ ये नजर आया और होटल संचालक से बदसलूकी भी इसके द्वारा की गई, ये वीडियो जैसे ही सामने आया इसे संज्ञान में लिया गया और अब गाजगिरी है। ज्यादा जानकारी लेते हैं सुनील हंचोरिया से। सुनील, क्या था मामला, किस बात को लेकर विवाद, बदसलूकी की ये तस्वीर सामने आई है? देखिए, जो तस्वीरों में दिखाई दे रहा वो एक पोर्टल का दृश्य है। यहाँ पर जो है शुजालपुर सिटी में पदस्थ एक सब इंस्पेक्टर जिनका नाम विजय खत्री बताया जा रहा है, बीती रात जो है ये रात की लगभग 2 बजे के आसपास होटल पहुंचे थे। इन्हें जानकारी लगी थी कि इनकी पत्नी जो कि वो खुद भी सब इंस्पेक्टर वो इस होटल में ठहरी हुई है और इस बात को लेकर इन्होंने होटल संचालक के साथ अभद्रता की थी। बताया ये भी जा रहा है, आरोप है कि उस समय सब इंस्पेक्टर शराब के नशे में थे और काफी देर तक हंगामा किया था। उसके बाद जो है डायल 100 पुलिस भी मौके पर पहुंची थी और इस पूरे मामले के सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए थे। उसके बाद एसपी यशपाल सिंह राजपूत ने इस पूरे मामले में हंगामा करने वाले सब इंस्पेक्टर जो विजय खत्री है उनको जो है निलंबित कर दिया है और इस पूरे मामले में एक्शन लिया है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया सुनील। छत्तीसगढ़ के कोयला घोटाले और महादेव सट्टा ऐप मामले में एसीबी ईओडब्ल्यू ने रायपुर के स्पेशल कोर्ट में चार्जशीट पेश की है। कोल केस से ईओडब्ल्यू ने 6000 से ज्यादा पन्नों का चालान पेश किया। आरोपी मोइनुद्दीन कुरैशी, रोशन कुमार सिंह, पारे कुमार कुर्रे, राहुल कुमार सिंह, मोटू उर्फ वीरेंद्र कुमार जायसवाल और ये तमाम वो नाम हैं जिनकी कोर्ट में पेशी हुई। वहीं महादेव सट्टा ऐप मामले में ईओडब्ल्यू ने कोर्ट में 10,000 से ज्यादा पन्नों का चालान पेश किया। आरोपी सतीश चंद्राकर, अर्जुन सिंह और भी कई नाम हैं। 10 आरोपी भी कोर्ट में पेश किए गए। अभी ये हमने ऑब्जेक्शन किया है कि सब अधूरी चालान नहीं ले जा सकते। अब माननीय न्यायालय जो आदेश करता है वो भी वही आदेश होगा, पता चलेगा। अभी तक आदेश हुआ नहीं है, मगर हमने आपत्ति की है वहाँ पे कि अधूरी चालान नहीं ले जा सकते। कितने पन्नों का चालान है, क्या सबूत मिले, न्यायालय में प्रस्तुत कर दिए हैं, अभी अभियुक्त को उसकी कॉपी दे। बिलासपुर में मलेरिया का कहर लगातार जारी है। कोटा में 3 और नए मरीज मिले हैं। जिले में एक्टिव मरीजों की संख्या अब 17 पर पहुंच चुकी है। मलेरिया से अब तक 4 मरीजों की मौत भी हुई है। मलेरिया से 2 बच्चों की मौत हुई, 6 साल और 12 साल के दोनों भाइयों की मौत हो गई। मां की हालत गंभीर है, अस्पताल में भर्ती किया गया है। बेलगैना के कालीमाटी गांव का यह मामला है। जांच में पाए गए हैं और जिसमें 9 लोगों को जो है ये इसकी गंभीरता को देखते हुए सिम्स रेफर कर दिया गया है। 4-5 लोग पहले से भर्ती हैं और कल भी बाकी लोगों को 5 लोगों को रेफर किया गया है। और अब बात रायपुर की करेंगे, जहां स्वास्थ्य विभाग का बाबू घूस लेते हुए गिरफ्तार हुआ। एजुकेशन लीव सेटलमेंट को लेकर रिश्वत मांगी जा रही थी। एसीबी ने नर्स से 20,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। दंतेवाड़ा से खबर है, जहां जिला अस्पताल ने एसीबी ने छापा मारा। यहां पर इस दौरान वीएमओ वेणुगोपाल राव को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। बता दें कि वीएमओ गाड़ियों का पैसा पास करने के लिए 15,000 की घूस मांग रहा था।
ग्वालियर में स्कूटी से चुराए 90,000 दिनदहाड़े, चोरी की वारदात ये हुई है। एक ने चोरी की, दूसरे इसमें पहरा दे रहा था, व्यापारी के 90,000 रुपए उड़ा दिए। सीसीटीवी में ये पूरी घटना, ये पूरी वारदात कैद हुई है। एक चोरी की घटना को अंजाम देता रहा, दूसरा पहरा लगा के खड़ा रहा कि कहीं कोई आ ना जाए, पर वहां पर सीसीटीवी जरूर लगा था। तीसरी आंख की नजर थी, उसमें ये घटनाक्रम पूरा कैद हो गया। अब सीसीटीवी के आधार पर ही जांच पड़ताल जारी है और पैसा कलेक्शन का काम करते हैं। और कल उन्होंने जो है एक व्यापारी से 91,000 रुपए कलेक्ट करके एक्टिवा गाड़ी की डिग्गी में रख दिए थे और फिर दूसरे व्यापारी के यहाँ काम करने चले गए थे। और जब लौट के फिर अन्य व्यापारी के यहाँ गए और जब उन्होंने डिग्गी खोली तो डिग्गी में से उनकी जो पॉलिथीन जिसके अंदर 91,000 रुपए रखे थे वो नहीं थे। उनकी रिपोर्ट पर से जो है VNS एक्ट की धारा 303(2) के तहत चोरी का अपराध पंजीबद्ध किया गया है। प्रकरण में विवेचना की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जल्दी जल्दी आरोपी की शिनाख्त की जाएगी। कोंडागांव की बात करेंगे। केशकाल घाटी में भूस्खलन हुआ है। तेज बारिश के बीच सड़क पर बड़ी चट्टान गिर गई, बड़ा हादसा होने से टला है। तेज बारिश की वजह से यहां पर नहीं हटाई जा सकी चट्टान। हादसे से बचने के लिए चट्टान पर रेडियम लगाया गया है। ज्यादा जानकारी के लिए विवेक श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए। विवेक, बड़ा हादसा होते होते टल गया ये हम कह सकते हैं, वरना आप किसी की भी जान यहाँ पर जा सकती थी। जी हाँ, ये एक तरीके से जो केशकाल घाट है लगातार जर्जर होते जा रहा है और इस पर हमेशा राजनीतिक चर्चाएं होती रहती हैं, पर इसमें ध्यान किसी ने नहीं दिया है। और आज हालात यह है कि लगातार इलाके में 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है, जिसके चलते जो पहाड़ है केशकाल घाट के पहाड़ में उसका पत्थर एक फिसल कर नीचे गिराया। उस दौरान कोई वाहन नहीं था, नहीं तो बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। और जैसी भूस्खलन की खबर मिली, पत्थर घाट पर पत्थर गिरने की जानकारी मिली, तो पुलिस के जवानों ने वहां पहुंचा और वहां पर रेडियम लगा दिया और वाहनों के जो आवाजाही है उसको वन वे करके लोगों गाड़ियों को निकाल रहे हैं। पर सबसे बड़ी दिक्कत इस बात की है कि बारिश भर में केशकाल घाट हमेशा लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ रहता है और खासकर रात के समय में यात्री वाहनों की संख्या ज्यादा रहती है, कभी भी बड़ी दुर्घटना होने की संभावना रहती है और इस पर ध्यान देने की जरूरत है। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए विवेक। मुरैना का जिक्र करेंगे। लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया पटवारी। ये भी बता दें, नामांतरण के नाम पर रिश्वत इसके द्वारा ली गई थी। किसान ने पटवारी को लेकर शिकायत की थी, जिसके बाद अब ये कार्रवाई देखने को मिली। कितने पैसे मांगे थे? 15 का बोला था, पहले बोला था 20, फिर वो इसके बाद में 18 पे आया। फिर मैंने साहब गरीब लोग हैं, इतना नहीं, बच्चे लोग की पढ़ाई भी और खुद का पेट पालन, खेती बाड़ी का शौक काम है और हमारे पास इतने पैसे। आज कितने रुपए दिए आपने? आज मैं 10,000 रुपए की रिश्ता करके उनके लिए आया। इंदौर की बात करते हैं। जनजातीय कार्य विभाग के मंत्री विजय शाह ने छात्राओं के लिए बने हॉस्टल को लेकर बयान दिया है। उनका कहना था कि हॉस्टल में गड़बड़ी को लेकर सीएम सख्त हैं। 8 मंत्रियों की एक कमेटी का गठन किया गया है। कमेटी प्रदेश के सभी SC ST OBC और आदिवासी हॉस्टल की जांच करेगी। सीएम को 15 दिन के अंदर कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी। तो वही मंत्री ने सभी सरकारी हॉस्टल में सुरक्षा के कड़े इंतजाम के निर्देश भी दिए हैं। मेरी अध्यक्षता ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की एक टीम बनाई, जिसका चेयरमैन मैं हूं। मेरे नीचे 7 मंत्री हैं, 3 SCS हैं, 3 PS हैं और हम 15 दिन के अंदर एक रिपोर्ट मध्य प्रदेश के ST SC पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक जितने प्रकार के छात्रावास होते हैं उसमें अच्छा भोजन, अच्छी सुरक्षा, अच्छी व्यवस्था, बाहरी लोगों का आना जाना बंद हो, बच्चों को बिना टेंशन के पढ़ाई और ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो, हम 15 दिन के अंदर उसका एक रिपोर्ट मुख्यमंत्री को दें। और इसी के साथ ही 10 खबर 10 शहर में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।